तेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे, है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज से हम पूजन पद्धति में एक नए समय चक्र की शुरुआत करते हैं। यह आगमन का समय है और आगमन के पवित्र काल में हम आशापूर्ण तरीके से प्रार्थना करते हुए प्रभु येसु ख्रीस्त के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रतीक्षा अपने आप में आनंद का विषय है। हम खुशी खुशी अपने मन और दिल में आनंद भरकर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आगमन के इस पवित्र काल में हम अपने गिरजाघरों में 5 मोमबत्तियों का यह सुंदर रीध, जिसको हम कहते हैं एडवेंट रीध, बनाया जाता है। इसमें जो 4 मोमबत्तियां हैं, ये चारों आगमन काल के 4 रविवार के प्रतीक हैं। हर एक रविवार में हम एक विशेष विषय पर चिंतन करेंगे। आगमन का पहला रविवार आज हम देखते हैं, इस एडवेंट रीत का सिर्फ 1 मोमबत्ती जलाया हुआ है। यह पहली मोमबत्ती आशा का प्रतीक है। दूसरी मोमबत्ती दूसरे रविवार को जलाई जाएगी और यह विश्वास का प्रतीक है। तीसरी मोमबत्ती तीसरे रविवार को जलाई जाती है, जिसका रंग गुलाबी है। यह आनंद का प्रतीक है। चौथी मोमबत्ती चौथे आगमन के रविवार को जलाई जाती है, जो कि शांति का प्रतीक है। और हम बीचों बीच में देखते हैं सफ़ेद रंग में यह मोमबत्ती, यह प्रभु येसु ख्रीस्त का प्रतीक है। इसी के साथ एडवेंट रीद, जो कि गोलाकार होता है, इस गोले का कोई शुरुआत और अंत नहीं है। यह प्रभु येसु ख्रीस्त में अनंत जीवन का प्रतीक है। आइए तब आगमन के इस पुण्य काल में हम अपने मन और दिल को प्रभु की ओर खींच लाएं। संसार में अपना जीवन जीते समय हम कई तरह की दुख, तकलीफ, संकट और बीमारियों का सामना करते हैं। इस कठिन परिस्थिति में प्रभु ही हमारा सहारा हैं, वही हमारे उम्मीद की किरण हैं। आइए तब आज आगमन के पहले रविवार के दिन, जब हम मिस्सा पूजा में भाग लेने के लिए आए हैं, हम अपने अपने अंतःकरण की जांच करें। हम स्वीकारें कि हम मनुष्य हैं, हम बार बार पाप करते हैं। आइए हम दिल से पश्चाताप करें और अपने द्वारा किए गए छोटे बड़े सभी पापों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से
अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुआरी धनी मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना करें हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वासियों को ऐसी दृढ़ इच्छा प्रदान कर कि वे तेरे पुत्र ख्रीस्त के आगमन पर अपने पुण्य कर्मों द्वारा उनका स्वागत करें, ताकि उनके दाहिने एकत्रित होकर वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीवा और होठों को शुद्ध करें कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का पहला इतवार, पहला पाठ, नबी इसाईस का ग्रंथ, अध्याय 63 वचन संख्या 16-17 और अध्याय 64 वचन संख्या 1-3-8। पाठ का मूल वाक्य है, ओ यदि तू आकाश फाड़कर उतरे। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों नहीं होने देता कि हम तेरा मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखे। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा ही है। ओ यदि तू आकाश फाड़कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेगा। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही सामने कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वाले के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हो। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारा समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसा हो गया है। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी न तो तेरा नाम लेता था
और न तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुख फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार, तूने हम सबों को बनाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम, संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वचन 3-9। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूं। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है, और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आ रहा है, प्यार वर दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वर दे रहा है,
मानव हृदयों में उत सब साहे। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 33-37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आगमन का यह पवित्र काल हमारे मन और दिल में एक नई आशा जगाता है। जब हम इस वचन पर चिंतन करते हैं, आज के पहले पाठ में नबी इसाईस के ग्रंथ से जो हमने यह वचन सुना है, यह भयंकर दृश्य है जिसे हम सुनते ही हमारे मन और दिल में भय सा आ जाता है। लेकिन हम याद रखें, प्रभु यीशु दोबारा इस संसार में आएंगे, जैसा कि उन्होंने अपने स्वर्गारोहण के समय अपने शिष्यों को कहा था। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दोबारा आगमन की हम प्रतीक्षा करते हैं। यह तो कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु ख्रीस्त कब इस संसार में फिर से आ जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने जैसा हमसे कहा है, हमें निरंतर अपनी अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि कब प्रभु आ जाएंगे इसके बारे में हमें नहीं मालूम। आगमन का पुण्य काल हमें प्रार्थनापूर्ण तरीके से प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए हमारा आह्वान करता है। यह हमारे लिए एक खुला आमंत्रण है, सिर्फ आगमन काल ही नहीं, लेकिन हम जीवन भर अपने अपने जीवन में, अपने जीवन की गतिविधियों के साथ, जो भी काम जिम्मेदारियां करते हुए, हमें प्रभु की प्रतीक्षा करनी है। और यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द कभी नहीं टल सकते। हम अपने जीवन में कई तरह की दुख और तकलीफ का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, कष्ट उठाते हैं, पर हमें याद रखना है, इससे भी कहीं ज़्यादा दुख और तकलीफ हमारे प्रेम के खातिर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सहा है। हम अपने प्रभु पर विश्वास रखें, अपना प्रेम उन पर सुदृढ़ बनाएं। ईश वचन के द्वारा हम निरंतर उत्साहित रहें, जैसा कि संत पौलुस ने आज के दूसरे पाठ में कहा है, हम अनुग्रह और शांति के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, यह वही पुण्य काल है जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और अपनी आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। और इस तैयारी के लिए माता कलीसिया हमारा आह्वान करती है कि हम निरंतर प्रार्थना करें, अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए, पापों के लिए हम पश्चाताप करें। और इसी के साथ
प्रभु यीशु ख्रीस्त के आगमन की आशापूर्ण प्रतीक्षा करें। हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। क्रिस्त अपने आगमन द्वारा अपनी पवित्र कलीसिया को उल्लसित करे और उसे सदा सुरक्षित रखे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त हमारे शासकों को विवेक प्रदान करे ताकि वे लोकहित के कार्यों को बढ़ावा दे सके। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। धार्मिकता के कारण अत्याचार सहने वालों को क्रिस्त दयापूर्वक सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्वास में दृढ़ बने रहे और संसार के सामने क्रिस्तीय प्रेम का साक्षी दे सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त अपने आगमन पर हमें जागते हुए पाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहते हुए हम अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। करते हैं
से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूरे रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे, हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से हैं, जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति का फल प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, भू अंबर के स्वामी, भू अंबर के स्वामी, तेरी महिमा ऊंच गगन में, तेरी महिमा ऊंच गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो इस संसार में हमारे उद्धार के लिए आए और अब भी वे हमें हमारे बुराइयों से पापों से उद्धार करने के लिए इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे पास आते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। हम प्रार्थना करें हे प्रभु जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें प्रभु की शांति साथ रहे।